प्रश्न संख्या 11 शक्ति सिंह यादव। माननीय मंत्री खाद्य उपभोक्ता विभाग शक्ति जी का जवाब दीजिए, उन्होंने प्रश्न पूछा है। अध्यक्ष महोदय, उत्तर आंशिक रूप से सकारात्मक है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के स्तर पर तैस आवश्यक बोले और बैठने के लिए बोलिए ना। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण, माननीय मंत्री जी, आपको जब हम कहे जवाब देने के लिए तो उधर खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के स्तर पर तय आवश्यक वस्तुओं के खुदरा एवं थोक बाजार भावों का अनुसरण राज्य के 6 महत्वपूर्ण जिलों में मूल्य नियंत्रण कोषांग का गठन कर दिया जाता है। साथ ही प्रत्येक दिन तय आवश्यक वस्तुओं के खुदरा एवं थोक मूल्य को भारत सरकार को प्रतिवेदित किया जाता है। विगत वर्ष के माह अक्टूबर से वर्तमान वर्ष के माह नवंबर तक प्याज का बाजार भाव माह अगस्त 2019 तक समान रहा, परंतु माह अक्टूबर एवं नवंबर 2019 में प्याज का खुदरा मूल्य औसतन 60 से 70 रुपए के बीच प्रतिवेदित हुई है। खंड ख असकारात्मक है। राज्य सरकार द्वारा प्याज के मूल्य नियंत्रण हेतु दिनांक 23/11/2019 को सचिव कृषि विभाग की अध्यक्षता में मूल्य स्थिरीकरण प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसमें प्याज के मूल्य नियंत्रण हेतु तत्काल व्यवस्था के तहत नेफेड को निजी गोदामों को अधिकृत कर प्याज के वितरण एवं मूल्य नियंत्रण हेतु कार्य करने को निर्देशित किया गया है। उसके क्रम में विश्व मान के स्तर से नेफेड द्वारा विभिन्न राज्यों से अधिप्राप्ति की गई प्याज की मात्रा से 35 ट्रक प्याज राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर स्टॉल के माध्यम से 35 रुपए किलो की दर से लाभकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। चलिए, सदन की कार्यवाही 2 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है।